जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा योग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो नमो वज्झायानं, नमो लोए सवसाहुनं, एसो पंचु नमो यारो सवपावपनाशनो मंगलानं चे सवेसिं पणमं हवे मंगलं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। आज हमारे पद्म प्रभु भगवान का स्तवन चलना है और पद्म प्रभु भगवान का स्तवन के पूर्व में हम सुमतिनाथ भगवान का पाठ कर लेंगे। अनवर्थ संज्ञा सुमतेर मुनिस्तम स्वयं मतम एन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषे सुमते सुनास्ति सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि अनेकमेकं चित्तदेव तत्त्वं ज्ञानवयज्ञानमिदं सत्यम् मृषोपचारो नितरस लोपे तच्छेष लोपोपि ततोऽनुपाख्यं सता कथञ्चित् तदसत्त्वशक्ति खिनास्ति पुष्पं तर्सुप्तशेतं सर्वस्वभावा चित्मप्रमाणं स्ववाग्विरोधं तदेष्टितोऽन्यत् न सर्वथा नित्य मुदेत पैति न चक्रियाकारकमत्र युक्तं नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमापोद्गलभावतोऽस्ति विधेर्निषेधश्च कथञ्चिदिष्टौ विवेक्षया मोक्षगुणव्यवस्था। इति प्रणीति सुमतेस्तवेयं मते प्रवेकास्तुतोस्तु नाथ। इति श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बहुत मजेदार अलंकार शैली में और एक अच्छी अलंकार की पद्धति इस स्तवन में प्राप्त होने वाली है। ये स्तवन पूज्य आचार्य समंतवद्य देव ने प्रस्तुत किया है। थोड़ी सी मम्मी आगे पीछे बैठो, ये दादी से कह दो अलग, तीनों दूर दूर बैठे। ये बात उठा लो चौका और आगे आ जाओ थोड़ी सी भाई, और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ थोड़ी सी ऐसा और आगे आ जाओ 1 मीटर दूर। पद्म प्रभा पद्म पलाश लेश्यम लेश्या पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति बभौ भवान भव्य पयोरोहाणाम पद्माकराणा मे पद्म बंधु
पद्म प्रभा पद्म पलाश लेस्या पद्मालया लिंग चारु मूर्ति बभौ भवान भव पयोरोहाणा पद्माकराणाम पद्म बंधु बभार पद्माम बभार पद्माम च सरस्वतीम चे भवान पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्या सरस्वतीमेव समग्र शोभाम सर्वज्ञ लक्ष्मीम जुलिताम विमुक्ता बभार पद्माम च सरस्वतीम चे भवान पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्र शोभाम सर्वज्ञ लक्ष्मीम ज्वलिताम विमुक्ता शरीर रश्मित प्रसरा प्रभोस्ते बालार्क रश्मित बालार्क रश्मित रश्मित छवि राली लेपो छवि राली लेपो नरा मराकीर्ण सभाम प्रभावात प्रभावत छैलस्य पद्माव मनेषु सानुम शरीर रश्मित प्रसरा प्रभोस्ते बालाक रश्मित छविराली लेपो लेपो नरा मराकीर्ण सभाम प्रभावत छैलस्य पद्माव मनेषु सानुम नवस्तलम पल्लनेवम पल्लनेवत्तुम सहस्रपत्रांबुज गर्भचारय पादांबुजै पातित मार दर्पो भूमौ प्रजानाम विजहर्थ भूत्यै नवस्तलम पल्लनेवत्तुम पल्ल पल्लव यन्यवत्तुम सहस्रपत्रांबुज गर्भचारय पादांबुजै पातित मार दर्पो भूमौ प्रजानाम विजहर्थ भूत्यै गुणाम बुधेर विप्रुषमप्रियजसम विप्रुष विप्रुष मप्रियजसम नाखंडला तोतु मलम तवर्से प्रागेव माद्रिक किमुताति भक्तिर माम बाल माला पैतीद मिथम गुणाम बुधेर विप्रश्मप्रियज्रसम मप्रियज्रसम नाखंडलाह स्तोतु मलम तवर्से प्रागेव माद्र किमताति भक्तिर माम बाल माला पैतीथ मिथम पद्म प्रभा पद्म पलाश लेस्या पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति बभौ भवान भव पयोरोहाणा
पद्माकराणाम पद्मबंधु सुचिमय तन चेतन लक्ष्मी से मंडित निज में फूल का छविले आहो पद्म प्रभ बिलस रहे लोक बंधुओ भविक कमलिए तुम दर्शन से खिलते जिस वद शर्म सरोज दल के दिन कर कोलक खुलते। यहाँ पर कहते हैं जिनके शरीर की वर्ण पद्म अर्थात कमल के समान लाल रंग का था, लेस्या माने वर्ण, जिनका वर्ण शरीर का कैसा था, लाल वर्ण का था, और जो पद्मालय अर्थात जिनकी पद्मालय लिंगित चार मूर्ति, जिनकी मूर्ति कैसी है अंतरंग लक्ष्मी से और बाहर बाह्य लक्ष्मी से जो आलंगित है, ऐसे चारु मूर्ति सुंदर मूर्ति जो है, ऐसी सुंदर मूर्ति भगवान की है। यानी मतलब इसके बाद वो कहते हैं ऐसे पद्म प्रोजिनेन्द्र देव भव्य कमलों को भव्य पयोरुहाणाम पद्माकराणाम पद्म बंधु पद्माकर के समान, क्योंकि अपन पद्माकर के गांव में बैठे हैं। पद्माकर एक बहुत कवि, बड़े कवि हुए सागर में हिंदी के, जिन्होंने लिखा था कूलन में केलन में कुंजन में कछारन में बाग बाग ठोर ठोर बखरो बस बगरो बसंत है। उन्होंने ऐसी कविता लिखी है बहुत बड़ी, हम लोगों ने छोटे में पढ़ी थी। ऐसे पद्माकर का अर्थ होता है जिस कमल में, कमल के समूह को विकास करने में जो सूर्य के समान है, पद्माकराणाम इव पद्माकरों के समान जो पद्म बंधु सूर्य जो होता है, वो पद्माकर को अर्थात जितने भी अपने कमल हैं उन कमल को खिलाने में सहयोगी होता है। इसी तरीके से आप भव्य जनों के कमलों को प्रफुल्लित करने वाले पद्म प्रभ भगवान हैं, जिनके शरीर की का रंग कमल लाल कमल के समान हैं, जिनके अंदर आत्मा का स्वरूप निर्मल मूर्ति अनंत ज्ञान आदि अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से जो युक्त हैं, ऐसे भगवान पद्म प्रभु जो है ना, हम सबके क्या होते हैं, पद्म प्रभु भगवान भव्य रूपी कमलों को अपने हितोपदेश दे करके खिलाने के लिए सूर्य के समान होते हैं। अब बभार पद्मांच सरस्वतिम चे, अब पद्मा, पद्मा माने लक्ष्मी होती है, और पद्म माने कमल, और पद्मा माने लक्ष्मी, ध्यान रखना, कमल माने कमल और कमला माने लक्ष्मी। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पोत दारा। तो जैसे कमला का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी एक पेड़ भी एक कदम भी आगे बढ़ करके नहीं जाती है, ठीक इसी तरीके से आप लोग भी ध्यान रख लेना। तो ये पद्मा अर्थात जिनके लक्ष्मी है, कौन सी लक्ष्मी है, तो वो कहते हैं आपने प्रतिमुक्ति लक्ष्मी पुरस्तात मोक्ष रूपी लक्ष्मी अर्थात अरहंत अवस्था में पद्मा अर्थात अंतरंग लक्ष्मी अनंत ज्ञान आदि और सरस्वती केवल ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ध्वनि वाणी जिनकी कीर्ति थी, ऐसे बभार धारण किया और समग्र शोभम समस्त शोभा को प्राप्त करने वाली सरस्वती को धारण किया था और विमुक्ति सन और कर्म रूपी मल से रहित होकर के हे भगवान
आप दैदीप मान होकर के सर्वज्ञ लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके। इस सर्वज्ञता एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अपन यहां थोड़े से रुक जाएं और रुक करके अपन चिंतन करें कि सर्वज्ञता क्या है। भारतीय दर्शनों में दो प्रकार के विभाग हैं, जो एक दर्शन की शैली सर्वज्ञ को मानती है और दूसरे दर्शन की शैली सर्वज्ञ को नहीं मानती है। ऐसी परंपरा फिलॉसफरों की है। तो एक चार्वाक दर्शन है, वो सर्वज्ञ नहीं मानते। एक मीमांसक दर्शन है, वो सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं। बौद्ध दर्शन सर्वज्ञ को मानते हैं। लेकिन जब मैं अभी कल एक लेख लिख रहा था इसी पर जैन साहब, कि चार्वाक सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं, इत चार्वाक का सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके सिवा कोई प्रमाण नहीं है। और जब तक सर्वज्ञ को स्वीकार ना किया जाए तो वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मम मिथ्या तम का होए बिना। जब तक हम सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम धर्म के क्षेत्र में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और सर्वज्ञ का अर्थ है कि जो सब कुछ जानता है। तो चार्वाक एक बात कह देते हैं कि हमने तीन लोग और तीन काल को प्रत्यक्ष देख लिया, तीन लोग और तीन काल में कहीं सर्वज्ञ नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि आपने खुद के अनुभव से ये बात जानी कि तीन काल तीन लोक में नहीं है, या दूसरे के कहने से आपने ये बात मान ली है? यदि आप ये कहें कि दूसरे के कहने से, तो दूसरे के कहने से आप ये मान सकते हैं कि तीन काल और तीन लोक में सर्वज्ञ नहीं है, तो हमारे कहने से आपको ये भी मान लेना चाहिए कि सर्वज्ञ है। और यदि आप कहते हैं कि हमने सारी जगह अनुभव कर लिया है कि तीन काल तीन लोक में सर्वज्ञ नहीं है, तो जिसने तीन काल तीन लोक का सर्व अनुभव कर लिया, हमारे लिए तो वही सर्वज्ञ है, इसलिए आप ही सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ तो कोई ना कोई हो गया। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सबको एक साथ के इंद्रियों के बिना जान ले, उसका नाम सर्वज्ञ है। और इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। तो मीमांसक दर्शन ये कहता है, मीमांसक दर्शन वाले कहते हैं कि सर्वज्ञ और अतिंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। अतिंद्रिय ज्ञान ही नहीं होता है, जब ये बात कहते हैं तो वहां पर जाकर के हमें विचार सामने करना पड़ता है कि एक अतिंद्रिय ज्ञान तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। नाम कर्म के उदय से जो रचना होती है वो द्रव्य इंद्रिय की रचना कहलाती है, और लब्धि और उपयोग आत्मक जो इंद्रिय होती है वो भाव इंद्रिय कहलाती है, और जो लब्धि और उपयोग रूप इंद्रिय होती है, ऐसी भाव इंद्रिय ही हमारे लिए क्या होती है? जहाँ कर्म आवरण नष्ट हो जाते हैं वहां पर भाव इंद्रिया का रूप समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो क्षयोपशम रूप होती हैं और केवल ज्ञान छायक रूप होता है। और जो छायक ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान कहलाता है, और इंद्रियों की वहां पर भूमिका समाप्त हो जाती है, और द्रव्य इंद्रिय रहने के बावजूद भी द्रव्य इंद्रिय का कोई वहां पर मतलब नहीं रहता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए अतिंद्रिय ज्ञान का अस्तित्व तो सिद्ध हो जाता है। और जब अतिंद्रिय ज्ञान हमारा सिद्ध हो जाता है तो सर्वज्ञता की बात आती है। तो वो कहते हैं कि वेद जो है अनादि मान है, और सर्वज्ञ जो होते हैं वो आदिमान है, इसलिए वेदों में कहीं सर्वज्ञता की बात नहीं आई है, और सर्वज्ञता की बात करने पर वेद से विरोध पैदा हो जाएगा।
तो वो कहते हैं आगम जो होता है प्रत्यक्ष से भी हमें सर्वज्ञ कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और अनुमान भी सर्वज्ञ का नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे जैन आचार्यों ने कहा है सर्वज्ञ का अनुमान किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? जैसे धुएं को देख करके आग का ज्ञान होता है, इसी तरीके से कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जो दूर अंतरित और तीसरे नंबर सूक्ष्म पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाला होगा। ऐसा कोई नहीं होता। दूर का मतलब है, जैसे मान लीजिए आज हम अमेरिका को हम नहीं जान रहे, हम नहीं गए अमेरिका। आप गए अमेरिका? कमल जी अमेरिका गए? नहीं गए ना। तो कोई ना कोई तो अमेरिका का जो इस चीज को देख रहा होगा, किसी ने तो सामने देखा होगा। राफेल देखा आपने? राफेल आया ना कल 3:10 पर राफेल आया, आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो राफेल है कि नहीं है? जो आपने नहीं देखा प्रत्यक्ष में, वो नहीं है क्या? कुछ लोग कहते हैं विज्ञान उसको ही मानता है जो सामने देखे, लेकिन साइंस की ऐसी परिभाषा नहीं है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज इज ए साइंस, कंप्लीट एक और दूसरे नंबर सिस्टमेटिक हो, दो चीजें जिसके पास होती है वो विज्ञान कहलाता है। इसके उपरांत विज्ञान के जो चरण होते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होता है, दूसरा चरण उसका होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटास और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटास और एनालिसिस ऑफ डेटास, कंक्लूजेशन, जनरलाइजेशन एंड रिपोर्ट सबमिट। इतने ही वैज्ञानिक पद्धति के चरण है, जिसके लिए हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जो किसी न किसी पदार्थ को विधिवत रूप से क्रमबद्ध पूर्ण रूप से जानता है उसे विज्ञान कहते हैं। और विधिवत का अर्थ क्या है? जिसमें वर्गीकरण किया जाए, जिसमें प्रत्यक्षीकरण तो हो और प्रयोग भी हो, और इसके साथ विश्लेषण जिसका करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो विज्ञान कहलाता है। हम विज्ञान के विरोधी नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ भी कहीं ना कहीं जरूर है, जो सूक्ष्म को भी जानते, परमाणु को भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जानता होगा। अच्छा ही बताओ, आपके बब्बा के पिताजी का नाम क्या था? बब्बा के पिताजी का क्या नाम था आपको नहीं पता? तो थे कि नहीं थे? जब तो बब्बा भाई। तो अब आपने जैसे जिसको नहीं जाना तो वो थे कि नहीं थे? तो कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष नहीं है हम उसे नहीं मानते, हम तो सामने की चीज मानते हैं। तो सामने की चीज है तो बब्बा के पिताजी नहीं है क्या? सरल, तुम्हारे बब्बा के पिताजी का क्या नाम था निकालो, पापा से पूछो कि आपके बब्बा का क्या नाम था। अभी तो पापा हैं, वो बता देंगे। पापा के बब्बा का बता देंगे, बब्बा के पिताजी का भी बता देंगे, इसके आगे नहीं होता। तो वो है कि नहीं है, हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि जो सामने वही है ये बात नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, विज्ञान की मजाक बन जाती है वहां पर। वो कहते हैं हम धर्म नहीं मानते, हम तो विज्ञान को मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप धर्म नहीं मानते विज्ञान को ही मानते हो? सरल, धर्म नहीं मानते ना? मानते। अब ये कहता है हम तो धर्म नहीं मानते विज्ञान को ही मानते हैं, कौन कहता है? राज, राज यही कहता है। तो राज से एक बात कहते हैं कि जब इसको बुखार आ जाए 106 डिग्री या जो कोरोना हो जाए तो उस समय हे भगवान क्यों बोलता है? ये क्यों नहीं बोलता हे आइंस्टीन बचा लो? ये क्यों नहीं बोलता है आइजैक न्यूटन बचा लो? ये क्यों नहीं बोलता एडिसन बचा लो, ग्राम बेल बचा लो? आप ग्राम बेल से बचाने की कहोगे, वो कहेगा हम तो फोन बना चुके हैं, अब तुम्हें बचाने की तो अभी हमने बना ही नहीं है। और विज्ञान इतना बड़ा फेल है क्योंकि जब हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब चंद्र कुमार जी,
हमारे एक पदमचंद जी थे केमिस्ट्री से बजाज सिलवानी में, वो ये कहते थे मैं आत्मा नहीं मानता हूं। बोले विज्ञान में कोई आत्मा नाम की चीज है ही नहीं है। तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आत्मा तो है। तो हमने उस समय आरडी विद्यार्थी की जूलॉजी पढ़ी, चूंकि मैं बायोलॉजी मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूं और मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई नहीं की अपन ने, क्योंकि दो पीरियड अटेंड कर लेते थे तो बहुत होता था, नहीं समझे, और सातक बात तो रेस्टिकेशन भी हो गए अपने, तो ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन अपन ने जब पढ़ने की बात शुरू की तो दिमाग तो अपना चलता है। हमने उनसे एक बार आरडी विद्यार्थी की जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी तो उसमें एक बात दी, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है। तो वो कहते हैं इसका प्रश्न, चंद्रमा पर जाना तो विज्ञान को सरल है लेकिन इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है कि लाइफ क्या है। और दूसरे नंबर वायरस को भी आज तक ये नहीं बता पाई कि लाइफ सब्सटेंस है और अनलाइफ सब्सटेंस। और आज इसी का कारण है कि कोरोना वायरस फैला तो उसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वायरस जो है ना वो प्रकृति का नहीं है, वो जीवाणु नहीं है, रोगाणु नहीं है, वो विषाणु है। अब विषाणु के लिए वायरस कैसे लाए? तो एक ध्यान रखना, विज्ञान को मानने वाले लोग जो कहते हैं विज्ञान को मानते हैं वो एक बात समझे कि धर्म का सिक्का तो हर जगह चल जाएगा लेकिन विज्ञान का सिक्का तुम्हारे यहीं चल पाएगा। जैसे अमेरिका का डॉलर कहां चलेगा? अमेरिका ही में चलेगा ना, कि यहां चल जाएगा। तो जो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, हम तो सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि वो एक बात कह दें कि जीवन क्या है। और भी कई ऐसे प्रश्न हैं विज्ञान में, वायरस को अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, है ना। और अपन अगर मान लीजिए अपन बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में भी यही एक का एक प्रश्न उलझा हुआ रहता है। बायोकेमिस्ट्री का भी मैंने अध्ययन किया। बायोकेमिस्ट्री में अपन जैसे मान लीजिए कहें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट या मान लीजिए मिनरल्स जितने हैं, विटामिन्स जितने हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको लेकर के अगर मिला करके कोई जीव बन जाए तो जीवन बनने वाला नहीं है। तो जीव क्या है? डार्विन ने अपना जीवन का सिद्धांत अलग दिया, लिपलिपिसी ने अलग दिया, लेमार्क ने अलग दिया, सबने अपने अपने सिद्धांत बताए लेकिन उनके सिद्धांत नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, वो सब हाइपोथीसिस है, परिकल्पना है। और उस परिकल्पना का परिणाम ये सामने आता है डॉक्टर साहब कि ये परिकल्पना ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये परिकल्पना है, उसका सिद्धांत के साथ कैसे मेल होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर्वज्ञ जो होते हैं, अगर आप नहीं भी मानते हो तो सूक्ष्म जानने वाला, दूसरे नंबर दूर के पदार्थ को जानने वाला और अंतरित पदार्थ को जानने वाला। तुमने अपने बब्बा को तो बब्बा के पिताजी को तो देखा नहीं है, कमल जी देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन किसी ने तो देखा होगा, किसी के तो वो प्रत्यक्ष हैं, किसी ने तो परमाणु को देख लिया होगा, किसी ने तो अभी जाकर के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क की देखी होगी, किसी ने तो WTC देखा होगा, WTC देखा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मनोज आपने देखा? किसी ने तो देखा, कभी तो देखा, 2001 के पहले तो किसी ने देखा होगा जो होगा। तो इसलिए कोई ना कोई के तो प्रत्यक्ष है। इसी तरीके से संसार के जितने पदार्थ हैं वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य होंगे, ये अनुमान किया जा सकता है। जिस सके प्रत्यक्ष हो जाते हैं वही सर्वज्ञ होता है, उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। और इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। अभी मैंने इसके 3-4 पेज लिखे कल मैंने, क्योंकि अब लिखना मेरा शुरू हो चुका है, थोड़ी सी अच्छा मौसम अच्छी जगह अनुकूलता की बन गई है तो अनुकूलता में लिखना बन जाता है, क्योंकि प्रतिकूलता में नहीं बन पाता है, नहीं है समझे इन सब, प्रतिकूलता में
बन नहीं पाता, क्योंकि ये में अष्टशास्त्री नामक एक ग्रंथ है जो आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा, जिसे लोग कष्टशास्त्री बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ये अभी पद्म प्रभु भगवान का भी स्तवन पढ़ रहे, तो आपको अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तो ऐसा लगता है कि कुछ लिखा है, लेकिन जब अपन अर्थ समझने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि सर्वज्ञ लक्ष्मी जुलिताम में मुक्ता है। सर्वज्ञ की लक्ष्मी जिसको प्राप्त हो गई है, वो सर्वज्ञ कोई ना कोई तो बनता होगा ना। जो सर्वज्ञ बनता है, हम उस बीतरागी ही सर्वज्ञ होते हैं। जब तक आवरण का नाश ना हो, ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म दो आवरण है, दो आदोषावरण योर हानिर, दोष और आवरण जब नष्ट हो जाते हैं तो सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। जिस तरीके से कि किसी भी आवरण को हटा देने, टार्च एक जल रही है, एक दीपक जल रहा है और उसके ऊपर किसी ने भगोनी रख दी, जब तक उसके ऊपर भगोनी रखी रहेगी तब तक दीपक का प्रकाश कितना रहेगा, भगोनी के बराबर। और जिस समय भगोनी हटा दी जाएगी, जैन साहब, जिस समय भगोनी हटा दी जाएगी उस समय वह प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसी तरीके से जब पूरा आवरण हटा दिया जाता है तो अतिंद्रिय ज्ञान पैदा हो जाता है। और वेद को मानने वाले लोग जो कहते हैं हम सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं, सर्वज्ञ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेद ही सब कुछ है। लेकिन वेद में भी तीन प्रकार की बातें आ जाती, विरोध आ जाता है। एक कहता है वेद का अर्थ नियोग से निकलता है, एक कहता है वेद का अर्थ वेद वाक्य का अर्थ विधि से निकलता है, एक कहता है वेद वाक्य का अर्थ किससे निकलता है, भावना से निकलता है। तो अब है किससे निकलता है, तो उनमें भी परस्पर में विरोध आ जाता है। चार वाक लोग कहते हैं, शून्यवादी लोग कहते हैं कि कोई पदार्थ है ही नहीं है, सारे कोई किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात है उन सबके लिए, वो कहते हैं अनुमान कोई नहीं है, अनुमान की बात मत करो, लेकिन अनुमान ही एक ऐसा है जो साध्य और साधन की व्याप्ति को ग्रहण करने वाला तर्क होता है, और तर्क के आधार पर ही सारी बात चलती है, और तर्क के आधार पर जब बात चलती है तो सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है। अब ये विषय आपको कठिन लगेगा कि सर्वज्ञ का कौन सा विषय लेकर के महाराज जी बैठ गए भगवान का स्तवन करते, लेकिन एक ध्यान रखना, आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है कि जो सर्वज्ञ को नहीं मानता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि वही होता है जो सबसे पहले सर्वज्ञ को स्वीकार करे, और सर्वज्ञ को स्वीकार करने में, अतिंद्रिय ज्ञान को स्वीकार करने में बाधा क्या है। कहीं ना कोई तो सर्वज्ञ जरूर हुआ होगा जो सबको जानता होगा। अतिंद्रिय ज्ञान तो जरूर होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी को अंजन लगा दिया जाए तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। वो कजली लगाते थे ना, कजली लगाते थे, उसे अपने आप दिखने लगता, तो उसे आँख की जरूरत है क्या, उसे आँख की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जिसने अंतर के अपने में डूब करके कर्म कालिमा को नष्ट कर दिया, आवरण जिसने नष्ट कर दिए, कर्म दोषों को नाश कर दिया, ऐसे दोष और आवरण को नष्ट करने वाले व्यक्ति के लिए अतिंद्रिय ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाएगा, और वो अतिंद्रिय ज्ञान एक अनुभूति पैदा करेगा, वही सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब मीमांसक दर्शन अतिंद्रिय ज्ञान नहीं मानता है, और चार्वाक सिर्फ एक प्रमाण मानता है, और वो कहते हैं, मीमांसक कहते हैं, ना अनुमान से सिद्ध होता है, ना आगम से सिद्ध होता है सर्वज्ञता को, ना सर्वज्ञता सिद्ध होती अर्थापत्ति से, ना उपमान से, क्योंकि सर्वज्ञ के सदृश कोई दिख नहीं रहा है, अर्थापत्ति अनुमान कुछ है नहीं है। और इसके उपरांत वे कह देते हैं कि सर्वज्ञ सिद्ध अभाव प्रमाण से नहीं होता है सिद्ध, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम जिसका अभाव कहते हो उसका सद्भाव जरूर होता है। कैसे होता है, जैसे किसी ने पूछा सीके जैन साहब घर में हैं क्या, मैडम ने कह दिया नहीं है,
तो प्रश्न यह है कहाँ है, कहीं ना कहीं तो है ना, जो कहीं ना कहीं है उसका नाम ही क्या है, जो कहीं ना कहीं है उसका नाम ही क्या है, बस इसी का नाम है सर्वज्ञ। भले ही सर्वज्ञ आज भरत क्षेत्र में नहीं है, जम्बूद्वीप में नहीं है, भारत में नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो जरूर है, क्योंकि अभाव ये कहता है कि सद्भाव जरूर है। ये सूरज अभी नहीं है, सूरज का उदय नहीं हुआ तो कहीं तो उदय हो गए, सूरज का उदय यदि भारत में नहीं है तो कहीं तो कहीं तो है कि नहीं है, उसका ताप और प्रकाश का संबंध कहीं ना कहीं तो है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अपने जीवन में सर्वज्ञता को जिसने स्वीकार नहीं किया है, जो सर्वज्ञता को नहीं समझते हैं, वे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं और मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। मोक्ष मार्ग पर तो वे ही चल सकते हैं जिन्होंने सर्वज्ञता को स्वीकार किया। इसलिए पद्म प्रभु भगवान का स्तवन करते हुए हमारे आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ लक्ष्मी जुलताम विमुक्त्या, सर्वज्ञ लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ऐसे पद्म प्रभु भगवान हमें सदैव सदैव के लिए वंदनीय है। और पद्म प्रभु भगवान हमारे लिए जब वंदनीय होंगे तो हम पद्म प्रभु भगवान का स्तवन करके अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग जरूर प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए पद्म प्रभु भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो धोक, हे जिन वाणी भारती मातु जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अर